गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो है टिल, टी आई डबल एल। इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। टिल का अर्थ होता है तक, टिल का अर्थ होता है तक। इसके बारे में जो भी अधिक से अधिक एग्जाम्पल बनेगा, मैं एग्जाम्पल के जरिए इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आप अच्छा से देखें, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। इसे बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो कि परीक्षा में ही नहीं बल्कि आप स्पोकन में बेहतर बनना चाहते हैं तो इसे जानना ही होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग टिल के प्रयोग को सीख लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टिल के प्रयोग को विस्तार से। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग टिल के अर्थ को जानेंगे। टिल का अर्थ होता है तक, टिल का अर्थ होता है तक। यह समय को इंडिकेट करता है, यानी समय को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वेट टिल 4 o'clock, वेट टिल 4 o'clock, 4 बजे तक प्रतीक्षा करें। वेट टिल 4 o'clock, 4 बजे तक प्रतीक्षा करें। आप ऐसा ही बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। अगला वाक्य है, आई विल वेट टिल नून, आई विल वेट टिल नून, मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा। आई विल वेट टिल नून, मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा। प्लीज वेट टिल इवनिंग, प्लीज वेट टिल इवनिंग, कृपया शाम तक इंतजार करें। प्लीज वेट टिल इवनिंग, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें। स्टे एट होम टिल टुमारो, स्टे एट होम टिल टुमारो, कल तक घर पर रहना। स्टे एट होम टिल टुमारो, कल तक घर पर रहना। स्टे एट होम टिल टुमारो, कल तक घर पर रहना। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यही रुको। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यही रुको। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यही रुको। ही वेटेड फॉर हिम टिल 10, ही वेटेड फॉर हिम टिल 10, उसने 10 बजे तक उसका इंतजार किया। ही वेटेड फॉर हिम टिल 10, उसने 10 बजे तक उसका इंतजार किया। ही वेटेड फॉर हिम टिल 10। दे वोंट बी बैक टिल 5 o'clock, दे वोंट बी बैक टिल 5 o'clock, वे 5 बजे तक वापस नहीं आएंगे। दे वोंट बी बैक टिल 5 o'clock, वे 5 बजे तक वापस नहीं आएंगे। I can wait here till he comes. I can wait here till he comes. उसके आने तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। I can wait here till he returns. उसके आने तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। I can wait here till he comes. उसके आने तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। I can hardly wait till 4 o'clock. I can hardly वेट टिल 4 o'clock, मैं मुश्किल से 4 बजे तक इंतजार कर सकता हूँ। आई कैन हार्डली वेट टिल 4 o'clock, मैं मुश्किल से 4 बजे तक इंतजार कर सकता हूँ। आई कैन हार्डली वेट टिल 4 o'clock, मैं मुश्किल से 4 बजे तक इंतजार कर सकता हूँ। ही टॉक्ड टिल 6 o'clock, ही टॉक्ड टिल 6 o'clock, हमने 6 बजे तक बात की। ही टॉक्ड टिल 6 o'clock, हमने 6 बजे तक बात की। We talked till 6 o'clock, हमने 6 बजे तक बात की। I can wait here till he comes. I can wait here till he comes. उसके आने तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। यह वाक्य दोहराया गया है यहाँ। अगला है, I can hardly wait till 4 o'clock. मैं मुश्किल से 4 बजे तक इंतजार कर सकता हूँ। I can hardly wait till 4 o'clock. मैं मुश्किल से 4 बजे तक इंतजार कर सकता हूँ। He talked till 6 o'clock, हमने 6 बजे तक बात की। He talked, we talked till 6 o'clock, हमने 6 बजे तक बात की। यहाँ पर भी वाक्य दोहराया गया है। अगला वाक्य है, study till morning, study till morning, सुबह तक पढ़ाई करें। study till morning, सुबह तक पढ़ाई करें। study till morning, सुबह तक पढ़ाई करें।
वी विल वेट टिल यू कम हम आपके आने तक इंतजार करेंगे. वी विल वेट टिल यू कम Why don't you wait till next year? आप अगले साल तक इंतजार क्यों नहीं करते? Why don't you wait till next year? Can't you wait till Monday? क्या आप सोमवार तक इंतजार नहीं कर सकते? Can't you wait till Monday? Want to wait till tomorrow? कल तक इंतजार करना चाहते हैं? Want to wait till tomorrow? Practice till three months. 3 महीने तक अभ्यास करें. जी हाँ, 3 मंथ तक यदि आप मेरे चैनल से अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बोल पाएंगे. मात्र 90 दिनों का पीएस कोचिंग सेंटर चैनल पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चलाया जा रहा है. यदि आप 90 दिन मेरे चैनल पर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलेंगे. मात्र 3 मंथ आपको प्रैक्टिस करना है. सो प्रैक्टिस टिल 3 मंथ, 3 महीने तक अभ्यास करें. पोस्टपोन टिल संडे. पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, रोकना. रविवार तक स्थगित करें. पोस्टपोन टिल संडे. रविवार तक स्थगित करें. पोस्टपोन टिल संडे. गुड बाय टिल टुमारो. कल तक के लिए अलविदा. गुड बाय टिल टुमारो. तो चलिए, कल तक के लिए अलविदा. फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे बताए गए वीडियो को निश्चित रूप से देखें और आप 90 दिनों में निश्चित रूप से अंग्रेजी बोल पाएंगे. ओके, गुड बाय.